Hello friends, I hope you all are superb. Today I have the best topic, how to speak fluent English. फ्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोले? मैं आपको फ्राटेदार इंग्लिश सीखने के बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में अपनाया और फ्राटेदार अंग्रेजी बोलना भी सीखा और सिखाता भी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी में है ताकि ये सबको समझ आए। सबका अपना अपना लेवल होता है, पर ये वीडियो दोनों लेवल के लिए है, जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो बोल तो लेते हैं बट कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट नहीं है। तो पहला टिप है मेरे पास, मस्ट हैव पैशन। जुनून होना बहुत जरूरी है, नीड हम सबको है, बट अंटिल अनलेस हमें सीखने का पैशन नहीं है, हम लैंग्वेज को फ्राटेदार बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपके दिल में जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना ही सीखना है। जरूरत तो हमें बहुत सारी चीज़ों का होता है, जरूरत तो हमें रोज मॉर्निंग वॉक पे जाने का भी होता है, अच्छा शरीर भी बनाने का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको करते ही नहीं है। तो पैशन अगर होगा तो आप जरूर अच्छा सीखेंगे। नेक्स्ट है एम्बियंस, माहौल। फ्राटेदार इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। घर पर या मोबाइल पर अच्छे सेंटेंसेस तो सीख जाएंगे, लेकिन माहौल में बोलने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो ताकि साथ में जितना हो सके आप इंग्लिश में बोल सकें। इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आपको डिसिप्लिन भी मिलेगा कि मुझे इंग्लिश वहां पर जाकर बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है LWRS, पूरा मतलब है लिसनिंग राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग। वैसे तो ये आयल्स का मॉड्यूल्स है, लेकिन ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी लागू होता है। पहला है लिसनिंग, आपको इंग्लिश न्यूज जरूर देखना चाहिए, या तो इंग्लिश चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हम जितना अंग्रेजों को सुनेंगे, जितना इंग्लिश चैनल्स को देखेंगे, उतना हमारी नॉलेज बढ़ेगी। हम जैसा देखेंगे वैसा रिपीट करेंगे और वैसा ही बोलने की कोशिश करेंगे, और कम से कम पूरे एक्टिव माइंड के साथ 15 मिनट तो इसे सुने ही सुने। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट लेवल। जैसा जैसा आपको अच्छा लगने लगेगा आप टाइम बढ़ाते रहना और वही सुनना जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है रीडिंग, आप गूगल में कुछ भी सर्च करके उन्हें रोज पढ़ें, जैसे कि बायोग्राफी, रीसेंट मूवीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, या जो भी आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे इंग्लिश में पढ़ें। ये मोरल स्टोरीज भी हो सकती हैं जो इंटरेस्टिंग हो, आप उनको पढ़ें, उनके वर्ड्स मीनिंग सेपरेट नोटबुक में लिखें और रोज उनको देखें। नेक्स्ट है राइटिंग, जब आप किसी भी बायोग्राफीज को पढ़ोगे तो आप उसे लिखना जरूर, जितना भी लिखना पर लिखना जरूर। और लिखने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, पास्ट इंसिडेंट, इन्हें दिल से लिखें और रोज इसे बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट है स्पीकिंग, जो भी टॉपिक आपने लिखा है एक बार पढ़ें, फिर उसे अकेले में या सोते समय जरूर बोलें, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी आपकी हेजिटेशन दूर होगी। और याद रखना, आपके मुंह से इंग्लिश सेंटेंसेस निकलने बहुत जरूरी है। हम पूरा दिन हिंदी, पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो वो हमारी फ्राटेदार बन जाती हैं। इसी तरह इंग्लिश को एटलीस्ट आधा एक घंटा जरूर बोलें, आप पढ़कर बोलें, आप सुनकर रिपीट कर बोलें, या दिल से टॉपिक लिखकर जरूर बोलते रहें। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके पास अच्छा माहौल का होना बहुत जरूरी है। बुक्स और वीडियोस आपको सिर्फ नॉलेज देंगे, लेकिन फ्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए आपको एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। ये आप खुद से भी बना सकते हो या क्लासेस ज्वाइन करके भी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल इम्प्लीमेंट दीज टिप्स, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो, वर्ड्स मीनिंग और आईलेट्स टिप्स देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।